लोकशाहिर अन्ना भाऊ साठे का असली नाम तुकाराम भाऊराव साठे है और इनका जन्म 1 अगस्त 1920 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जुलाई 1959 को हुई थी। एक मराठी समाज सुधारक, लोक कवि और लेखक थे। अन्ना भाऊ साठे का जन्म एक मांग समुदाय में हुआ था। उनका लेखन सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता पर आधारित था। अन्ना भाऊ साठे मार्क्सवादी आंबेडकरवादी विचार के थे, जो शुरू में कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। उन्हें दलित साहित्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्ना भाऊ साठे का साहित्य परिवर्तन की दिशा और प्रेरणा बन गया है। महाराष्ट्र के समग्र गठन और परिवर्तन में इस साहित्य का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भी बड़ी संख्या में छात्र और विद्वान उनके साहित्य पर शोध करते देखे जाते हैं। शाहिर अन्ना भाऊ साठे, शहीर अमर शेख और शहीर डी ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन को लोगों के मन में बिठाने का काम किया। शाहिर ने मुंबई, मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में कई स्थानों पर अपने कला के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अन्ना भाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को सांगली जिले के वालवा तालुका के वाटेगांव गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भाऊराव साठे और माता का नाम वालूबाई साठे था। अन्ना भाऊ साठे स्कूल नहीं गए। उन्होंने केवल 1.5 दिन स्कूल में पढ़ाई की और फिर उच्च जातियों द्वारा भेदभाव के कारण पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने 2 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी कोंडाबाई साठे और दूसरी जयवंता साठे थी। उनके कुल 3 बच्चे थे, मधुकर, शांता और शकुंतला। 1944 में शाहिर दत्ता गावंकर और अमर शेख के साथ उन्होंने लाल बावता कला दल का गठन किया। इसके जरिए उन्होंने सरकार के कई फैसलों को चुनौती दी थी। ये 1940 के दशक में काम करना जारी रखता था और टेविया अब्राम्स के अनुसार भारत में साम्यवाद से पहले स्वतंत्रता के बाद 1950 के दशक की सबसे रोमांचक नाटकीय घटना थी। भारत की आजादी के बाद उन्हें भारत पर सवर्णों का शासन स्वीकार नहीं था, इसलिए 16 अगस्त 1947 को उन्होंने मुंबई में 20,000 लोगों का मार्च निकाला और उस मार्च का नारा था, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। वह इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सांस्कृतिक शाखा और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसने भाषाई से अलग मराठी भाषी राज्य मुंबई के निर्माण की मांग की थी। अन्ना भाऊ साठे डो। बाबा साहेब अंबेडकर की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उन्होंने दलित कार्यों की ओर रुख किया और दलितों और श्रमिकों के जीवन के अनुभवों को प्रकट करने के लिए अपनी कहानियों का उपयोग किया। बॉम्बे में स्थापित पहले दलित साहित्य सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा, पृथ्वी शेषनाग के सिर पर नहीं बल्कि दलितों और श्रमिकों की हथेलियों पर है, इस प्रकार कामगारों और दलितों के महत्व को दर्शाता है। वैश्विक संरचनाओं में श्रमिक वर्ग। इस अवधि के अधिकांश दलित लेखकों के विपरीत अन्ना भाऊ साठे का काम मार्क्सवाद से प्रभावित था। उन्होंने कहा है, दलित लेखकों को वर्तमान सांसारिक और हिंदू उत्पीड़न से दलितों को मुक्त करने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक मान्यताओं को तुरंत नष्ट नहीं किया जा सकता है। अन्ना भाऊ साठे ने मराठी भाषा में 35 कादंबरी लिखे हैं। इनमें फकीरा 1949, जिला और अन्य शामिल हैं। 1961 में उन्हें राज्य सरकार का सर्वश्रेष्ठ कादंबरी पुरस्कार मिला। अन्ना भाऊ साठे के पास लघु कथाओं के 15 संग्रह हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में कई भारतीय भाषाओं और 27 गैर भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए गए हैं। कादंबरी और लघु कथाओं के अलावा अन्ना भाऊ साठे ने नाटक रूस में भ्रमंती, 12 पटकथाएं और मराठी पोवाड़ा शैली में 10 गीत लिखे। अन्ना भाऊ साठे के पोवाड़ा और लावणी जैसी लोक कथात्मक कथा शैलियों के उनके उपयोग ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया और उनके काम को कई समुदायों तक पहुंचाने में मदद की। डो बाबा साहेब अंबेडकर की झुंझर लेखनी को समर्पित फकीरा में साठे नायक फकीरा का चित्रण करते हैं, जिन्होंने अपने समुदाय को कुल भुखमरी से बचाने के लिए ग्रामीण रूढ़िवादी व्यवस्था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। नायक और उसके समुदाय को बाद में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और प्रताड़ित किया गया और अंततः फकीरा को फांसी पर लटका दिया गया।
मुंबई के शहरी परिवेश ने उनके लेखन को काफी प्रभावित किया। उन्होंने इसे एक डायस्टोपियन परिवार के रूप में चित्रित किया। अपने दो गानों मुंबई ची लावनी और मुंबई ची गिरनिक मगर में उन्होंने मुंबई को अपमानजनक, शोषक, असमान और अन्यायपूर्ण बताया।